अल्लामैतिनीम बसमिल्लम रशीम अल्हदिल्ल रबलमिनलामामबाहरमरी वाहनतमिलसानी याफ़ा कौली नाजरिन कराम सिलसिले गुफ्तू मदीना से मदीना तक गुज़त सिलसिलों के अंदर और गुज़त कड़ियों के अंदर गुफ्तु यहाँ तक आकर पहुँची कि नौ महरम इमाम और उनके खानवादे पर घेरा तंग कर लिया जाता है उन्हें महसूर कर लिया जाता है और अब किसी शख़्स के लिए इस बात के इम्कान नहीं बचते हैं कि वो पुफा से आकर इमाम आसमाम को ज्वाइन कर सके इमाम हुसैन के साथ मुलहक हो सके हराम योम तशु असर के बाद इमाम हुसैन आसमाम जनाब अब्बास के ज़रिए से इस पैगाम को पहुंचाते हैं कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए और इस रात में शब आशूर इमाम हुसैन आसमाम की जहां पर एक हिस्सा इबादत के अंदर गुज़रता है परवरदिगार के साथ मुनाजात में गुज़रता है एक हिस्सा खानदान बनू हाशिम के खैमों के साथ खैमों के अंदर इमाम हुसैन आसमाम गुज़ारते हैं कभी जनाब जैनब के साथ कभी जनाब उमजूम के साथ कभी अपनी दुख्तर के साथ मुख्तलि ख़ैमों के अंदर जाते हैं और एक अहम हिस्सा इमाम आसमाम खानदानी बनो हाशिम, और अपने अब के साथ गुजारते हैं इस अंदाज़ में कि उन्हें इस बात के लिए आमादा करते हैं कि देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं इन्हें तुम्हारी जान और इन्हें तुम्हारे शहादत से कोई सरोकार नहीं है लिहाजा मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ इस बात की कि मेरा साथ छोड़कर चले जाओ मैं जन्नत की जन्नत की ज़मानत भी देता हूँ तारीख़ तवरी के अंदर अभी मखनव से नकल किया गया कि इमाम हुसैन आलम का एक मकालमा है इमाम ने पहले कुछ जमलात कहे कहा कहाम अहमद का अलाक्रम नबूा उस परवरदगार की हमद है कि जिसने हमें नबूत के ज़रिए से करीम बनाया जिसके जिसने हमें नबूत के ज़रिए से बाज़मत बनाया अल्लम तन क़र और उस परवरदिगार की हमद है कि जिसने हमें क़ुरान की तालीम दी उस परवरदिगार की हमद है कि जिसने हमें दीन सिखलाया जामा अन व अफसारतन परवरदिगार ने हमें क्या करार दिया कि लोगों के दिल हमारी तरफ झुके चले आएंगे हमें क्या करार दिया कि लोगों की निगाहें और लोगों के कान हमारी जानब के जा चले आएंगे अम्मा बाद फिर फरमाया असहाबी मेरे से ज्यादा ना कोई अवला है और ना कोई बेहतर है मैं नहीं जानता किसी ऐसे असहाब को कि जो मेरे असहाब से ज्यादा औला और खैर बेहतर हो वला बैत अबर वला मिन बैती

लई सा आईकुमी जवा मेरी जानब से कोई भी हक तुम्हारी गर्दनों पर मौजूद नहीं है जाओ हाद गशी यकुम रात की तारीखी है और तखतू जमलन अपने अपने ऊंट पकड़ो और चले जाओ यहां से यहाँ तक के अवाम हुसैन आसमाम ने यह जुमले भी कहे कि अगर तुम लोगों को इस बात में शर्म महसूस होती है कि बनी हाशिम को छोड़कर कैसे चले जाओगे एक अली अकबर का हाथ पकड़ो चले जाओ एक जनाब कासिम का हाथ पकड़ो चले जाओ मेरे खानदान वालों के हाथ पकड़ो और चले जाओ ये लोग तुम्हारे खून के नहीं मेरे खून के प्यासे हैं आप जरा अंदाजा कीजिए कि मौका कौन सा मौका है शब आशूर है ये तमाम के तमाम अफराद इस बात को जानते हैं मैंने जिक्र किया जनाब हबीब ने मज़ाहिर जाकर अपने खानदान वालों से कह करा है असद वालों से कि देखो रसूल के साथ अगर कत्ल हो गए रसूल के नवासे के साथ अगर कत्ल हो गए तो कल रसूल अल्लाह के साथ तुम आला में करार पाओगे इसका मतलब हबीब जानते थे कि शहादत है यहां पर तमाम असहाब जानते हैं कि शहादत है इमाम हुसैन ब्लैंक चेक दे रहे हैं ब्लैंक चेक नहीं जन्नत का चेक दे रहे हैं कह रहे मेरे 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 खानदान वालों के हाथ पकड़ो और चले जाओ मेरे खानदान वालों के हाथ पकड़ो और चले जाओ लेकिन इनमें से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है न सिर्फ जाने के लिए तैयार है न सिर्फ जाने के लिए तैयार नहीं है बल्कि जुमला क्या है जनाबे जहर अपने कैन का वो मशहूर और मारूफ जुमला कि क्या फरमाया जनाब जहर अपने कैन ने कि खुदा की कसम अगर हमें कत्ल कर दिया जाए उसके बाद फिर जिंदा किया जाए फिर कत्ल कर दिया जाए फिर जिंदा किया जाए फिर कत्ल कर दिया जाए हजार मर्तबा भी अगर जान नसीब होगी हजार मर्तबा भी अगर हयात नसीब होगी तो आप पर निछावर की जाएगी एक साहबी है सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी क्या कहते हैं ला नखल्ली का हत्ता यालम अल्लाह अन्ना हाफिजना गाइबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे यहाँ तक कि हम रसूल की गाइबत में रसूल की गैबत में रसूल का हक अदा कर दे तो इन अगर मैं ये जान लू कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं फिर जला दिया जाऊं सुन जिंदा जला दिया जाऊं सुब मर्रा सत्तर मरतबा भी अगर मेरे साथ ये किया जाएगा

मुझे उठा लिया जाए फिर कत्ल किया जाए हज़ार मरतबा इस तरीके से किया जाए तो मैं आपकी हिमायत इसी अंदाज़ के अंदर करता रहूँगा अब इमाम हुसैन आलम के जुमले ये है ख़ानदान बनो हाशिम के जुमले ख़ानदान बनी हाशिम को भी इमाम ने हिल दिए इमाम ने इजाज़त दी है इमाम ने दी है कि जाओ चले जाओ जनाब अलफल अब्बास के भाई वातब होते हैं और इसी तरीके के जुमले उनकी जानब से भी शादिर होते हैं एक शख्स है जहाक कितने अब्दुल्ल है मशरक़ी कि जिसका तस्करा मैंने किया ये कौन शख्स है ये वो शख्स है कि शेख मुहीद ने भी तारीख़ करबला इसकी ज़ुबान से नकल की है तबरी ने भी बहुत सारी रवायात मकातिल की रोज़ आशूर के बहुत सारे वाक़ इसकी ज़ुबान से नकल किए हैं ये वो शख्स है कि जो कंडीशन ये वो शख्स है कि जो मशरूत इमाम हुसैन के साथ आया है कैसे तबरी ने नकल किया है कि जहाक एक दूसरा शख्स था मालिक इबन नजर अरहबी जब इमाम हुसैन कोफा आ रहे थे उस मौके पर यह इमाम हुसैन के साथ मिला ये दोनों अशास इमाम ने इन दोनों को अपनी मदद की दावत दी और अपनी नुसरत की दावत दी जब इन्होंने चशमपोशी करना चाहिए साथ ना देना चाहा तो इमाम ने उसका सबब दरिया किया और कहा कि क्या वजह है मालिक इबन नजर ने कहा कि मैं मकरूज हूँ और साहिब आयाल हूँ लिहाजा आपके साथ नहीं आ सकता उस वक्त जहा के इब्ने अब्दुल्ला मशरक़ी ने क्या कहा था कहा था कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं मैं भी मकरूज और मेरे भी अहलोयाल है लेकिन मैं एक शर्त के साथ आपकी साथ दूंगा मैं एक शर्त के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और वह शर्त यह है कि अगर तो फौज एश् अगर तो मेरे साथ की जो फौज है वो आपको कत्ल ही करना चाहती होगी और मेरे जान देने से आपकी जान नहीं बच रही होगी तो फिर मैं चला जाऊंगा मैं आपके साथ उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरे आपके साथ होने का कोई फायदा हो मुझे नहीं आपको आप यहां पर इस, इस, इस मौके पर जरा फर्क कीजिएगा कि इस शख्स में और बाकी असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है ये क्या कह रहा है कि मैं इस शर्त पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कि मेरे आपके साथ चलने से आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा कि आपकी जान बच जाएगी ये कंडीशन लगा दी इमाम ने कहा चल साथ चल चला इमाम के साथ रोजे आशूर शिरकत की इसने जंग की इसने तें नमाज जहर इमाम की में इसने अदा की है और जब उसने देखा कि असहाब तकरीबन तमाम के तमाम शहीद हो गए हैं और फौज अशकिया इमाम हुसैन आसमाम के असाब को शहीद कर रही है तो सबसे पहला इससे काम क्या किया कि अपने घोड़े को ख़ैमे में मखफी जगह पर बांध दिया और ख़ुद सुहाक नकल करता है कि उसने इमाम के सामने दो जंग करने वालों को यानि उमर साद के लश्कर के दो अफराद को वासी जहनम किया और उसके बाद इमाम हुसैन आसलम ने उसके हक में दुआ की लेकिन अबू ने लिखा कि जब ये खुद बयान कर रहे ज़हाक के जब मैंने देखा कि असहाब इमाम हुसैन कत्ल हो गए और उनके ख़ानदान की बारी आ गई और उनके साथ सिर्फ दो अफराद और दो सहाबी बच चुके थे सवैद और बशीर तो मैं इमाम आसमाम की खिदमत में आया और मैंने कहा यमन रसूल आपको याद है कि हमारे दरमियान क्या माह हुआ था क्या एग्रीमेंट हुआ था इमाम हाँ याद है मैंने अपनी बजट तुमसे उठा ली है तुम किसी किस तरह इस लश्कर से फरार, फरार करोगे मैंने तुम्हारी बजट तो उठा ली है लेकिन अब तो तुम मेरे लश्कर के हिस्सा बन चुके हो तुम उन दो अफराद को कर चुक कत्ल कर चुके हो मध्य मुकाबल के दो अफराद को अब यहां से फरार कैसे करोगे उसने कहा कि मेरा अपना घोड़ा खैमे के अंदर बांधा हुआ है इसीलिए मैं प्यादा इनसे पैदल पैदल इनसे जंग कर रहा था क्योंकि मैंने अपना घोड़ा खैमे के अंदर बांधा हुआ है लिहाजा मैं इनसे फरार कर जाऊंगा जहाक अपने घोड़े पर सवार हुआ और मैदान जंग से फ़रार हो गया उमर साद के पंद्रह अफराद ने उसका ताकुब किया उसके पीछे गए लेकिन बहरहाल वीमे ख़ैमे के पीछे जाकर छुप गया था और बाद में बन तमीम के लोगों ने क्योंकि ये बनी तम से था तो उमर साद के लश्कर के अंदर जो बनी तमीम के अफराद थे उन्होंने इसको रिहाई दिलवा दी और इस तरीके से ये जान बचा कर भाग गया वाक आशुरा के रावियों में से एक रावी ये जहाक में अब्दुल्ल मशरती है आप अंदाज़ा कीजिए

कौन सी बात कौन सी तहारत है ये क्या ज़मीन नज़िस होती है ज़मीन पाक होती है ये कौन सी तहारत है कि जिस तहारत की बात की जा रही है वही आय तथीर की तहारत के एक मरतबा है आय तथीर में जिस तहारत की बात की ये उसी तहारत का एक मरतबा है कि जो असहब इमाम हुसैन सलाम के शामिल हाल हुआ है सिर्फ असहब के शामिल हाल नहीं हुआ उस ज़मीन के भी शामिल हाल हुआ कि जहाँ पर वह दफ्न हो गए क्या मकाम था क्या मरतबा था आपके सामने एक रिवायत पढ़ूँगा और अपनी बात को मुकम्मल करूँगा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद महमद की महमद व आल महमद रिवायत है किताब अल्शरा की मोहम्मद इब्ने अमारा इमाम जाफ़र सादिक अलैहि व सलाम से नकल करते हैं कि मैंने इमाम से सवाल किया कि अहबाब हुसैन आसम और जिस अंदाज के अंदर वो मौत की जानिब जा रहे थे जिस अंदाज के अंदर वो मौत की जानिब इकदाम कर रहे थे मुश्किल है इंसान जानता है कि मेरे मौत की तरफ जाना है और यह भी जानता है कि अगर ये मौत मैंने छोड़ दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ अली अकबर का हाथ पकड़ो चले जाओ हम और आप वहां पर होते तो क्या करते हैं मुश्किल सवाल है मुश्किल सवाल है सैद इब्न जुबैर किस अंदाज में खड़े हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने इमाम नमाज पढ़ रहे हैं तीर आ रहे हैं अपने सीने पर तीर को रोक रहे हैं इमाम हुसैन आलम नमाज पढ़ रहे जरा तस्वुर करें इंसान इस मरहले को मुश्किल पर है ऐसे ही नहीं मकाम मिल गया है साहब इमाम हुसैन को कि फरमाया कि जब जिक्र आए इनका तो फरमाओ या लई तनी कौन तो माकुम आकाश में इनके साथ होता आकाश में इनके साथ होता फरमाया कि बतलाइए ये कैसे इकदाम कर रहे थे मौत की तरफ कहा इन नुमता इनके दरमियान से वो हिजाबात हट चुके थे के जो हिजाब होता है इनके दरमियान हिजाबात हट चुके थे हत्ता राव हत् रा कौन सा हिजाब हट गया था कि इन्होंने अपनी मंजिलत इन्होंने अपने मकाम को देख लिया था ये जन्नत पे कहां पर है कहा पर रहे हैं ये उस मकाम को देख चुके थे जन्नत में उस मकाम का इंतजार कर रहे थे इसलिए कहा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे व अला मकान जन्ना और जन्नत वे उस मकाम को अपनी निगाहों के सामने देख रहे थे इसी वजह से सैदुल इमाम हुसैन आलम के साथ खड़े रहे वगरना ये ऐसे अफराद भी थे अब ये गफ्तु नहीं है हमारी कि ये शख्स के जिसे इमाम ने दुआ भी दी एक मकाम पर जो इमाम हुसैन आसलम का साथ छोड़ कर चला गया है इमाम ने इसे रुख़त दी है अब ये गफ्तु नहीं है हमारे पास और ना हमारा यहाँ पर ये मौजूद यह है कि हम गुफ्तगू करेंगे जहाँ के अब्दुल्ल मशरक़ी और जैसे दूसरे अफराद किस कैटेगरी के अंदर फॉलो करते लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम अज़ कम असहा करबला वाला मकाम नहीं है इनका। इनका फौज अजीम अगर कहीं पर थी तो इमाम हुसैन आम के साथ शहादत और इमाम हुसैन की रफाकत में अपनी जान को कर्बान करने के अंदर थी वह आखिरमी وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد